Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students of 10th class, Assalamu alaikum to all of you. I am Abdurrahman Sheikh, Mosul Girls High School, Belgaum. Dear students, our today's topic is once again story, necklace. But our today's subtopic is character sketch of Matilda. Aziz Tulba aur Talibat, कल की क्लास में हमने इस स्टोरी जिसका टाइटल है नेकलेस इंट्रोडक्शन पढ़ा था और इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ा था. तो आज हम इसी स्टोरी के एक खास कैरेक्टर जिसका नाम है मैटिल्डा इसके बारे में पढ़ेंगे और इस मैटिल्डा का कैरेक्टर स्केच पढ़ने जा रहे हैं हम आज. सो वी विल ट्राई टू ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ दिस मैन कैरेक्टर नेमली मैटिल्डा. तो हमारा क्वेश्चन है ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मैटिल्डा. आंसर मैटिल्डा वॉज ए प्रेटी वोमन. तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि मैटिल्डा एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी. बट शी वॉज बॉर्न इन ए पुअर फैमिली. लेकिन उसने एक गरीब फैमिली में जन्म लिया था. यानी उसने एक गरीब बाप के घर में जन्म लिया था. इसका बाप एक क्लर्क था और बहुत ही गरीब था. She always desired to have things of luxury. क्योंकि मैटिल्डा हमेशा चाहती थी कि मुझे ऐश आराम की चीजें मैसर हूं. She thought she was born to live a life of luxury. क्योंकि हमेशा वो सोचती रहती थी कि शायद उसने ऐश आराम की जिंदगी बसर करने के लिए जन्म लिया है. She wanted to be loved and admired. इसलिए वो हमेशा ये चाहती थी कि लोग इसको देखकर उसे प्यार करें. यानी लोगों को वो बहुत अच्छी लगे और सारे लोग इसकी तारीफ करें. वो हमेशा यही चाहती थी. उसकी यही मर्जी होती थी कि लोग मुझे चाहने लगे, लोग मेरी तारीफ करें. She wanted to move इन रिच सोसाइटी. वो एक अमीर समाज में रहना चाहती थी, अमीर समाज के साथ उठना बैठना चाहती थी. बट शी कुडंट फाइंड एनी रिच मैन टू मैरी हर. लेकिन अनफॉर्चुनेट फॉर हर, इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर हर बिकॉज ही कुडंट फाइंड एनी रिच मैन टू मैरी हर. यानी उसकी बदकिस्मती थी कि उसे कोई अमीर आदमी शादी के लिए नहीं मिला. यानी उसकी शादी किसी अमीर आदमी से न हो पाई. शी हैड टू मैरी ए स्मॉल क्लर्क. इसकी शादी एक छोटे से क्लर्क के साथ होती है. तो She was not happy with him. क्योंकि वो भी अमीर नहीं था, छोटा मोटा क्लर्क था, उसकी कलील आमदनी थी. तो इसलिए वो शादी करके इस अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं रहती थी. She had to live in a simple house. क्योंकि अब इसको यहां भी ससुराल में भी, यानी अपने हस्बैंड के साथ भी, एक मामूली से एक सीधे साधे घर में रहना पड़ा था. शी हैड टू वियर सिंपल क्लोथ्स. गुर्बत की वजह से उसको सीधे साधे कपड़े पहनने पड़े थे. शी डिडंट हैव एनी ज्वेलर्स टू वियर. उसके पास कोई सोना वगैरह यानी जेवरात, उसके पास
पहनने के लिए जेवरात मयसर नहीं थे. ऑल दिस ट्रबल्ड हर. तो इस इन तमाम चीजों की वजह से इसको तकलीफ, यानी इसको तकलीफ पहुंचती थी. ऑल दिस ट्रबल्ड हर ऑलवेज, हमेशा ये परेशान रहती थी, यानी सोचती रहती थी, गमगीन उदास रहती थी. एंड शी रिमेंड अनहैपी. तो इस वजह से इसकी जिंदगी बिल्कुल नाखुश थी, ये जिंदगी में कभी खुश न थी. तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आज का हमारा ये सब टॉपिक करेक्ट स्केच ऑफ मेटल था, इख्तिताम को पहुंच रहा है. तो इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी स्टोरी के मुतलक और एक टॉपिक, सब टॉपिक लेकर. तो इस वक्त मुझे इजाजत दीजिए. मे अल्लाह ब्लेस यू. थैंक्स. अस्सलाम वालेकुम.